ये था भाई रिजांगला मेमोरियल, और इंडियन आर्मी को दिल से सलूट है भाई। ये बंदे यहाँ पता ना है इतनी ठंड में कैसे रह पाते हैं, देश की रक्षा करते हैं। इनको दिल से सलूट है भाई। और ये वाला ब्लैक टॉप है जो इससे नीचे आते हैं, जैसे ये है वो हरी जंगला पोस्ट जहाँ पूरी लड़ाई लड़ी गई थी। इधर चीन है और ये अपना इंडिया। इधर अपनी चेक पोस्ट बनी है सारी ऊपर पहाड़ों पे, बीच से रास्ता निकाल रखा है। अपनी एक चेक पोस्ट हमारे जांगला ऊपर, और ब्लैक वाला जो ये पहाड़ है ये चीन के पास है। ब्लैक आइस, ये बर्फ जम जाती है भाई, जहाँ से पानी ऐसे निकल रहा है। और अपना तो ये रोड एक साल में बनेगा अभी, और चाइना वालों का तो रोड पक्का बना रखा ऊपर। ये इधर लद्दाख रेंज है पूरी पहाड़ों की, ये इधर रजांगला रेंज, और एक इधर जो चेक पोस्ट है वो चीन की है रजांगला, और एक अपनी इंडिया की है, आमने सामने ही है। ये अपना रोड बन जाए जब तो और सुविधा मिल जाएगी आर्मी को। ये वाला रोड इंडिया में है, और अपने बंकर ऊपर वो उधर है ऊपर लद्दाख रेंज, और ये वाले बंकर एक ये इधर है, ये चाइना के पास है। ऊपर वो रजांगला जहाँ पूरी चेक पोस्ट लड़ाई लड़ी गई थी, ये ऊपर। इधर वाला तो पता ना कैमरे में आ रखा है कि नहीं, इधर वाला चाइना, इधर अपना इंडिया आमने सामने बिल्कुल। मेन ये रोड बन जाए तो फौज को सुविधा सब मिल जाएगी भाई। अभी रोड नहीं बढ़िया बन रखे इंडिया का, पीछे तो बनने लग रहा है 4x4 4 लेन का। ये एरिया सबसे ठंडा एरिया है भाई इधर। ये सामने जो है कैलाश रेंज है, इस पे कुछ एरिया भारत के पास है, कुछ एरिया चीन के पास है, बिल्कुल बॉर्डर पे गए, बॉर्डर से चल रहे हम। ये लद्दाख रेंज, ये तो अपने पास ही है, और मेन है यहाँ आर्मी के पास रोड की सुविधा नहीं है। अब काफ़ी रोड, ये रोड तो काफ़ी नज़दीक इसके चीन के हैं भाई, वहाँ ऊपर से बैठे बैठे देखते रहते हैं कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। काफ़ी बंकर इतने नज़दीक हैं रोड से, और यहाँ का टेम्परेचर अभी तो -2-3 होगा, अभी रात में ज़्यादा हो जाता है। पुराने वाले टाइम में इसका टेम्परेचर हो जाएगा 1-2 महीने में 40-45 के आसपास, तब यहाँ फौज को ड्यूटी देनी पड़ती है इतनी ठंड में। हिम्मत है भाई इंडियन आर्मी की भी, बस इंडियन आर्मी को रसद और हथियार मिलते रहे
रक्षा तो अपने आप कर लेगी वो, पर रोड जब तक ठीक नहीं होंगे जब तक कुछ पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये वाटर क्रॉसिंग आ गई भाई, ज़बरदस्त है, मैंने उतार दिया है, अब देखते हैं। और तेरी की तो बहुत गहरी है, ठंडा पानी बिल्कुल। ओह वाटर क्रॉसिंग, हम जाके पार हुई भाई, और यहाँ चाइना का टाइम दिखा पकड़ लिया है नेटवर्क में, मैंने आ रहा पीछे उन चोटियों पर अपनी चेक पोस्ट ये इधर, ये चाइना की, ये तो बहुत आमने सामने आ गई बिल्कुल। आगे का व्यू दिखाएंगे आपको, मैंने फ़ोन दिखा रहा है, इसमें चाइना का सिग्नल दिखा रहा है, क्या लिख रहा है नेटवर्क सिग्नल फॉर चाइना, दिखाई पता ना आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई भाई इधर से दिखाएंगे, इसकी थोड़ी रोशनी बढ़ाइए, दिखायो दिखा ना, ये देख लो भाई, बैठ भी ने आगे आगे देखते हैं। वेलकम टू तसांगा ला, एल्टीट्यूड भाई इसका 15,260 फीट, ये कोई पास है भाई, और लोमोर आ गया हट दे 30। अब इससे आगे निकलते हैं, ये मेहराग से निकलने के बाद चुसूल के बाद ये सैगा, और सैगा में विलेज छोटा है चारों तरफ आप देख सकते हो, और यहाँ होम स्टे भी है, इस रूट पे कभी भी आओ यहाँ रुक भी सकते हो, होम स्टे भी है। अभी से आगे जाएंगे नोमा विलेज आएगा, अब यहाँ से निकलते हैं, चाय पी लिए, मैंने अंदर बैठा है, विनय आगे इस रूट के बारे में क्या बताना चाहोगे, रास्ता कैसा है चुसूल से और लोमा तक का, तो ऑफ रोड है बिल्कुल, चुसूल से लोमा का ऑफ रोड ही है, उसके बाद अच्छा रोड है, लोमा तक ऑफ रोड है, उससे आगे आने अच्छा है, बढ़िया रोड बन रखा है, और आगे आपको दिखा भी देंगे। विनय ने चाय पी ली, अब यहाँ से निकलते हैं, और कुछ बताना चाहोगे विनय पीछे, मेराख से लेके चुसूल तक अच्छा रोड है, लेकिन चुसूल से लोमा तक ऑफ रोड है, फिर उसके बाद लोमा से हानने तक अच्छा रोड है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, लोमा ब्रिज पे भाई, विनय इतने सारे जलेबी ले रखा लेगा भाई, इतनी और समोसा अभी देखते जाओ, और भी कुछ लेगा इसको आर्मी का भोजन मिल गया भाई, ये भी किसी के किस्मत में होता है। लोमा ब्रिज में यहाँ अभी जाम है, तो यहाँ खाना खा रहे हैं, आर्मी का कैंटीन है, यहाँ कोई भी भाई आए खा सकता है, यहाँ उधर बर्फ है उंगलिंगला पे या नहीं है, ये भाई उंगलिंगला होके आ चुके हैं, अब हम जाएंगे वहाँ परली तरफ, मेन मकसद था यहाँ दिखाने का, यहाँ चाय जलेबी समोसा छोले के साथ और क्या है? नजर मतलब पेट मेरे पेट में अरे ये देख रहा हूँ इतने सारे मैंने फिर और क्या खाएगा तू इसके साथ में, पेट में दर्द, चावल भी खाएगा अभी ये भाई फोतीला तोप की चढ़ाई करते हुए इससे ऊपर जाएंगे हम, आगे का रास्ता भी दिखाएंगे, इससे ऊपर कौन सा पास है कड़े वो आ? पास उंगलिंगला, इस चढ़ाई ने पूरा दिमाग खराब कर दिया भाई, 200 cc सामान वहाँ हलने उतार आए हैं तब भी नहीं चढ़ रही, मरु पहले या दूसरे गियर में चल रही है, और कुछ ऐसे रास्ते ये देख लो भाई, और तो अच्छा ये हुआ जो हम सामान अपना हालने में रखा आगे, और ये अभी तो फतीला टोपी
हुई हुई भी नहीं आई टी, और ऊपर है, ऊपर दिखाई देने लग रही वहाँ तक, टॉप से दिखाएंगे आपको ये रास्ता कुछ ऐसा है। हिम्मत नहीं आ रही, फातिला टॉप पहुँच गए हैं। फातिला टॉप की हाइट है वर्ल्ड 6 नंबर पर भाई, अल्टीट्यूड है इसका 18,124 फीट पे, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटेबल पास है ये फातिला टॉप 6 नंबर पर भाई। और कुछ चारों तरफ ऐसा व्यू है फातिला टॉप पे, इसके आगे जाएंगे उंगला पास पे। आज लेट हो रहे हैं फोटो उतारने का, ऑफिस की छुट्टी खत्म होने लग रही है, कल अगर करता तो टाइम है नहीं, कल वापस नीचे जाना हालने देख के आज, इसलिए अच्छा थोड़ा नाइट में लेट हो जाऊं, पर आज करके ये देख के फिर निकलना भाई। वो नीचे उतरने लग गए नहीं, कोई बात ना, हर हर महादेव का नाम ले के और पहुंच जाते हैं।